राइजिंग राजस्थान आज शाइन कर रहा है एक तरह से, आपने जो शुरुआत की है इसके बाद पड़ाव दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई भी जाएगा, मुंबई से कितने निवेशक लेकर जा रहे हैं? देखिए आज ही तकरीबन 4.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। अभी तक इसको राइजिंग राजस्थान समिट को डिक्लेरेशन को मात्र मुझे लगता है कि 1 महीना हुआ है, हमारे पास 6.5 लाख करोड़ के MOUs आ गए हैं आज के मिलाकर। सो देखिए हमने पहले साल के अंदर ही, सरकार बनते ही राजस्थान में पहले साल में ही इन्वेस्टमेंट समिट करा है। हमारा लक्ष्य है कि केवल नाम के लिए नहीं, केवल MOU साइनिंग के लिए नहीं, लेकिन हमें असली में धरातल में ये सारे उद्योग लेकर आने हैं। और उसी लिए अगर हम अभी से काम करेंगे तो अगले साल 1.5 साल के अंदर ये उद्योग जितने भी हैं ये सब धरातल तक आ जाएंगे, चाहे वो देश के हो या दुनिया के दूसरे देशों के हो। हम राजस्थान के अंदर एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तैयार करना चाहते हैं, ऐसी आर्थिक व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, इकोनॉमिकली राजस्थान स्ट्रांग हो, ज्योग्राफिकली राजस्थान बहुत सही जगह प्लेस्ड है, दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, फ्रेट कॉरिडोर वहाँ से निकल रहा है, एक्सप्रेसवेज वहाँ से निकल रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, थर्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, राजस्थान में ज़मीन की कमी नहीं है, ऊर्जा की कमी नहीं है, युवा डायनेमिक है, हर तरह से राजस्थान इज प्लेस्ड फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस प्रमोशन। सर आपने कहा कि किस तरह से नीतियों में बदलाव और एक तरह से उसको रिबूट किया जा रहा है, तो वैसे ही हम समझना चाहेंगे क्योंकि MOUs अब तक हमने देखा कि करीब 80% ऐसे थे जो रद्द हो गए, लेकिन इस बार बहुत ही पॉजिटिव कदम है कि वो सक्सेसफुल हो, इम्प्लीमेंट हो। बिजली पानी सबसे ज्यादा फोकस वहां पर है, जो भी आपके जो उद्योगपति हैं जो राजस्थान से आए हैं आपकी बातें सुनने के लिए और आपको अपनी बातें बताने के लिए, उनकी दिक्कतें वही आती हैं जो गारमेंट सेक्टर के जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा बिजली और पानी की समस्या आज भी कायम है। कितना काम उस तरफ हो पाया है, योजनाएं क्या क्या काम धरातल पर है? देखिए देश विकसित होने के लिए उसके अंदर इकोनॉमिक पावर बनना बहुत जरूरी है। जब इकोनॉमिक पावर आता है अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है और हर व्यक्ति का रहन सहन उठ जाता है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है। राजस्थान के अंदर सोलर, मतलब सूर्य देव की कृपा तो है, लेकिन सोलर पार्क्स नहीं लगे हुए थे। हमने पहले ही साल के अंदर तकरीबन 2 लाख करोड़ के MOUs करे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, यानी वो लगने ही है। सो 2027 तक हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे बिजली के अंदर। उसके साथ साथ पंप स्टोरेज के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, थर्मल पावर तो लगे हुए हैं। सो ये बात रही बिजली की। दूसरा पानी की जरूरत होती है इंडस्ट्रीज के लिए, उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम 23 जिलों को पानी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बड़ी मात्रा में जो बारिश का पानी होता है वो चंबल नदी से आएगा और हमारी तकरीबन सारी झीलें जो 23 जिलों की हैं वो पूरी लबालब पानी से भर जाएंगी। तो पानी, बिजली, हम स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे देश में काम हो रहा है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दूसरे देशों के साथ इस तरह से हो रहे हैं ताकि पूंजी निवेश भी हो, टेक्नोलॉजी भी आए, जैसे स्विट्जरलैंड के साथ अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा जिसमें $100 बिलियन उनको अगले 10 साल के अंदर भारत में पूंजी निवेश करने ही है और उसके साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आनी है। तो हर तरह से राजस्थान इज राइटली पॉइज्ड। और फिर सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो आपने कंपैरिजन करा पिछली सरकार के साथ, पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है। जब देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिटिकल विल बिल्कुल स्पष्ट है तो राजस्थान जो डबल इंजन की सरकार का एक हिस्सा है, हमारी भी पॉलिटिकल विल बिल्कुल स्पष्ट है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की सिर्फ इसी साल बात हुई है सर, उस कदम में कहां तक पहुंचे? आपने देखा किस तरह से सम्मेलन हुए जिसके अंदर पहले सम्मेलन में शायद 20,000 नौजवानों को नौकरी दी गई थी। सरकार का लक्ष्य है कि हम 4 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करवाएंगे, उसके साथ साथ हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देंगे, तो उसकी तो कोई गिनती नहीं है। स्किल ट्रेनिंग, राठौर जी जिस तरह से जिलों को सशक्त करने की बात हो रही है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री आती है उन सिटीज को डेवलप होना जरूरी है, उस कदम में कहां आगे बढ़े हैं, कितने जिलों में उस तरह से हमने डिस्ट्रिक्ट को सशक्त किया है? हमने 1 district 1 product के ऊपर भी फोकस करा है, जैसे ब्लू सेरेमिक्स है, ब्लू पॉटरी है, वो जयपुर के पास में दूधू में होती है, संतरे हैं गंगानगर में होते हैं, जैसलमेर के अंदर कशीदाकारी का काम होता है, ऐसे हर जिले के अंदर जो वो प्रोडक्ट है जो मार्केट नहीं बना पाया, जिसको सरकार का समर्थन नहीं मिल पाया, हम वहाँ भी फोकस कर रहे हैं। तो हर तरह से हम जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके अंदर नोड्स, जैसे आपने कहा 2 नोड्स अप्रूव हो गए हैं, एक तो नीमराणा के अंदर है, नीमराणा बैरोड,
दूसरा पाली मारवाड़, तो हर तरह से हम जो हमारी कम्युनिकेशन लाइन है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश। आखिर में निवेशकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यही समय है, राजस्थान के दरवाजे खुले हुए हैं और राजस्थान के अंदर वो पॉलिटिकल विल है जो शायद आपके पास जब पहले नहीं होती थी। आपको कोई मुसीबत नहीं हम आने देंगे, हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर बिजनेस आए, एंड देयर इज ओनली वन वीआईपी, दैट इज द इन्वेस्टर इन राजस्थान। थैंक यू।